एवरीवन, मैं संगीता संगीता एक्सपर्ट के अंदर आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा शैशवावस्था में पोषण। अभी तक मैंने आपको आहार आयोजन के बारे में बताया था, उसका महत्व क्या होता है, उसके सिद्धांत क्या है और किस तरीके से आहार आयोजन की प्रक्रिया को हमें एक व्यक्ति के लिए पूरे दिन में कार्य करने के लिए उसके लिए तैयार करनी पड़ती है। तो अभी तक हमने आहार नियोजन का है पूरी रूपरेखा को देखा था कि आहार नियोजन क्या होता है और क्यों हमें करना चाहिए। आज मैं लेके आई हूँ जो आपकी पहली अवस्था कहलाती है शैशवावस्था में पोषण। तो सबसे पहले आपको शैशवावस्था देखनी है कि शैशवावस्था कौन सी अवस्था होती है। तो ये हमारे जीवन काल की, यानी दो भागों में मैंने इसको विभाजित किया था, एक तो जन्म से पूर्व और एक जन्म के बाद। तो ये हमारी जन्म के बाद की पहली अवस्था है। जन्म जब बच्चे का हो जाता है तो यानी 0 माह से 12 माह तक के बच्चे को हम क्या कह सकते हैं, शैशवावस्था का बच्चा कहते हैं। और ऐसे इसको कहीं कहीं पे आपको 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, शैशवावस्था की अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो आपका एक प्रश्न यही आता है कि शैशवावस्था कौन सी अवस्था है और किस एज के बच्चे तक की अवस्था मानी जाती है। तो पहली अवस्था तो हो गई ये हमारी 0 से 12 माह का। अगर ऑप्शन मिले तो आपको यही करना है कि 0 से 12 माह का जो बच्चा होता है वो हमारा शैशवावस्था का बच्चा कहलाता है, या 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा होता है वो हमारी शैशवावस्था के बच्चे के अंतर्गत आता है। अब हमने इस 0 से 12 माह के बच्चे को 2 भागों के अंदर विभाजित किया है, 2 भागों में विभाजित किया है। ये 2 भाग है, एक तो है हमारा 0 से 6 माह का और एक है हमारा 7 से 12 माह का। ये हमने 2 भाग इसके इसलिए विभाजित किए हैं क्योंकि जो पोषण की हमें इसकी व्यवस्था देखनी होती है वो पोषण हमें इन 2 बिंदुओं के अंतर्गत निर्धारित करना होता है। क्योंकि ये 0 से 6 माह का बच्चा होता है ये अपनी माँ के ऊपर निर्भर होता है, माँ के पोषण से ही इसको क्या मिलता है, बच्चे को पोषण मिलता है। क्योंकि 6 माह तक बच्चे का मुख्य भोजन क्या होता है, दूध होता है। तो ये दूध ही इसका क्या है, पोषण का एक माध्यम देखा जाता है। तो यहाँ पर हम अब गर्भवती माता के जो धात्री अवस्था आती है बच्चे के जन्म के साथ, उस अवस्था का हमें पूरा अध्ययन है वो इसके साथ करना पड़ेगा। क्योंकि ये 0 से 6 माह तक का बच्चा है वो अपने माँ के दूध के ऊपर निर्भर होता है, माँ का दूध ही उसके लिए पोषण है, अमृत तुल्य बताया गया है। तो उस माँ के दूध की यहाँ पे पूरी जानकारी हमें देखने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये 7 से 12 माह का बच्चा है, इसका पूरक आहार की इसके अंदर पूरी चीज़ें हैं, हमें पूरक आहार क्या होता है इस पूरक आहार के बारे में सारी जानकारी है वो हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो ये शैशवावस्था में टॉपिक है, ये भी हमारा कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है। कहने को ये शैशवावस्था अलग अलग सारी अवस्थाएं दे रखी है, तो ये शैशवावस्था भी हमारी क्या है, बहुत लंबी चलने वाली अवस्था है। और इसमें भी जो प्रश्न बनते हैं बहुत बारीकी से प्रश्न लिए जाते हैं, तो हमें इसको पूरी तरीके से ध्यान से इसको कवर करना होगा कि शैशवावस्था क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों से मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए नए नए वीडियो हैं वो बनाने का प्रयास करूँ। तो उसके बाद मैं आपको इस टॉपिक के बारे में है आगे की जानकारी दे रही हूँ। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो शैशवावस्था है विकास और वृद्धि के स्तर के ऊपर किस तरीके की अवस्था मानी जाती है, विकास और वृद्धि इस अवस्था के अंदर किस स्टेज के ऊपर इस अवस्था के अंदर देखा जाता है। तो जब बच्चा शैशवावस्था आपकी जन्म से ही स्टार्ट हो रही है, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय जो बच्चे का वजन होता है वो 3 से 3.5 केजी का होता है।
तो ये भी प्रश्न है, बच्चे के जन्म के समय जो वजन होता है एक स्वस्थ बच्चे का, तो वो कितना होता है? तो 3 से 3.5 किलो के बीच में बच्चे का वजन है वो यहाँ पे देखा जाता है, तो ये हमें देखना है। और कई बार क्या आता है, इसका पौंड के अंदर भी वजन पूछा जाता है, तो 7 से 8 पौंड है वो बच्चे का वजन है, वो पौंड के अंदर पूछा जाए तो 7 से 8 पौंड है वो बच्चे का वजन माना जाता है। 1 पौंड का वजन होता है वो 400 ग्राम माना गया है, तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय बच्चे का नॉर्मली वजन क्या होता है, 3 से 3.5 केजी का होता है, और पौंड में पूछा जाए तो 7 से 8 पौंड का बच्चा है वो आपका देखा जाता है, और 1 पौंड का भार होता है वो 400 ग्राम के करीब होता है। अब ये विकास और वृद्धि की सबसे मुख्य अवस्था मानी जाती है। अगर इस तरीके से पूछा जाए कि कौन सी अवस्था के अंदर बच्चे का विकास और वृद्धि है वो तीव्र गति से होता है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा शैशवावस्था में बच्चे का वृद्धि और विकास है वो सबसे ज़्यादा तीव्र गति से देखा जाता है। अब ये तीव्र गति से हम इसके ऊपर भी 2 प्रश्न है। जब बच्चा 6 माह का होता है तो बच्चे का वजन है वो क्या होता है? जन्म के वजन का 2 गुना देखा गया है, और जब वो पूरा 12 माह का हो जाता है तो जन्म के वजन का 3 गुना देखा गया है। तो ये अब आप इस तरीके से देख सकते हो कि जब बच्चा 3 माह का जन्म के समय जब वो 3 किलो का हो रहा है, तो जैसे ही वह 6 माह का होता है तो वजन क्या हो जाएगा, इसको 6 माह के वजन को 3 से गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 3 3 9, और 1 वर्ष का होते होते वो बच्चा क्या हो जाएगा, 9, 3 गुणा, यानी 3 गुणा देखा जाएगा तो 9, और 2 गुणा देखा जाएगा 6 माह के अंदर, तो पहले 3 गुणा था और अब वह 2 गुणा हो गया, तो ये आपका 6 हो जाएगा, और ये 3 गुणा होगा तो ये आपका मतलब पूरा आपका 9 किलो का बच्चा है वो देखा जाएगा। 2 गुणा में 6 किलो का हो जाएगा, और 12 माह के अंदर वो 3 गुणा होगा तो वो 9 किलो का बच्चा है वो देखा जाता है। और इसका जो वजन है वो 3 से 3.5 किलो के बीच में होता है, तो जब वो बच्चा 1 साल का होता है तो 10 से 10.5 किलो के बीच में बच्चे का वजन है वो शुद्ध वजन माना गया है। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है कि 1 साल में बच्चे का वजन है वो कितना गुना हो जाता है, और 3 माह के ऊपर बच्चे का वजन है वो कितना गुना हो जाता है, या 6 माह के ऊपर बच्चे का वजन है वो कितना गुना हो जाता है। और जो माँ का पोषण है माँ के दूध से निर्धारित होता है, तो माँ का दूध है वो किस तरीके का होता है जिसके कारण बच्चे का पोषण है वो अच्छा माना गया है। तो माँ के दूध की कल्पना है वो यहाँ पे करेंगे, माँ के दूध को क्या कहा जाता है, उसका स्वरूप कैसा होता है, तो ये हमें पूरा हमें देखना है कि जो 6 माह का बच्चा है उसका पोषण है माँ के दूध पे होता है, तो माँ के दूध के अंदर क्या होता है जिसके कारण बच्चे का पोषण है वो अच्छा माना गया है। इसके साथ साथ 7 से 12 माह में जो पूरक आहार दिया जाता है, ये पूरक आहार किस तरीके का होता है, इसको भी कितने भागों के अंदर बांटा गया है, तो ये हमें 3 प्रकार के आहार के बारे में इसकी पूर्ण जानकारी देखनी है कि बच्चे का जो आहार है वो किस तरीके का हमारा होना चाहिए। यहाँ पर मैंने बच्चे के आहार से संबंधित है एक टेबल बनाई है, इस टेबल को आपको याद करना होगा, इसको ध्यान से देखना होगा कि किस तरीके से ये टेबल बच्चे के पोषण के साथ हमें ध्यान देने की आवश्यकता मानी जाती है। इसमें जैसे पहले बच्चे के पोषण में जरूरी है कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन में ए डी ई, और ये आपके थायमिन है, इसको हम B1 कह सकते हैं, राइबोफ्लेविन को B2 कह सकते हैं, नियासिन को B3 कह सकते हैं, यहाँ पे फोलिक अम्ल रखा है मैंने, आयोडीन रखा है, और साथ में लोहा रखा है, जो बच्चे के पोषण की मुख्य बातें दी गई है।
अब ये जो लोहा तत्व होता है, बच्चे के जन्म के समय माता के गर्भ से बच्चे का जब जन्म होता है तो ये लोहा है बच्चे के शरीर के अंदर पहले से संचय हुआ हुआ होता है। तो जो 6 माह तक होता है माँ के दूध के ऊपर ये बच्चा पलता है, तो 6 माह तक बच्चे को लोहे की आवश्यकता है वो नहीं होती है, क्योंकि बच्चे के शरीर में पहले से ही ये लोहा है वो एक कृत्य माना गया है। 6 माह के बाद जब बच्चा ऊपरी दूध लेता है तो ये लोहे की मात्रा है उसको इन भोजन के माध्यम से प्राप्त होती है। अगर जैसे आपको पता है कि दूध को हम क्या कहते हैं, संपूर्ण आहार कहते हैं, संपूर्ण आहार के नाम से जानते हैं। अब संपूर्ण आहार का मतलब है कि जितने भी हमारे ये पोषक तत्व हमने लिखे हैं ये सारे के सारे पोषक तत्व क्या है, एक दूध के अंदर उपस्थित मानी गई है, जिसके अंदर आपको प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन सब की प्राप्ति होती है। अगर पूछा जाता है तो इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि दूध के अंदर कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो आपको ध्यान रखना है कि विटामिन सी है वो दूध में नहीं पाया जाता, और एक है विटामिन लोहा है जो आपका दूध के अंदर नहीं पाया जाता है, बाकी सारे पोषक तत्व हैं वो दूध के अंदर उपस्थित होते हैं। तो माता के दूध के अंदर हमें बच्चे का जो 6 माह तक पोषण होता है, तो वो 6 माह तक पोषण क्या होता है, दूध के माध्यम से बच्चे का संपूर्ण हो जाता है। और जैसे ही बच्चा 6 माह या इससे भी पहले जैसे 4 माह का पूरा होने के बाद ही हम क्या करते हैं, बच्चे को पूरक आहार तरल के रूप में देना शुरू कर देते हैं। जैसे अब गर्मी का समय ज़्यादा है तो इस गर्मी के समय में बच्चे को तरल पदार्थ है, अगर बच्चा 4 महीने का कंप्लीट हो चुका है तो उसको तरल आहार के रूप में देना शुरू कर देते हैं, ताकि बच्चे का विकास है वो अच्छी गति से हो सके। तो ये वृद्धि और विकास मैंने बताया है कि शैशवावस्था में वृद्धि और विकास है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है, जो मैंने आपको इस आधार पर बता दिया कि बच्चा जब 6 माह का होता है तो वो जन्म भार का 2 गुना हो जाता है, और जैसे ही वो 12 माह का होता है तो ये 3 गुना देखा जाता है। तो इससे आप ये स्पष्ट कर सकते हो कि विकास और वृद्धि की ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, और इस अवस्था के अंदर बच्चे के पोषण संबंधी जो विकास की प्रगति है उसको हमें विशेष रूप से देखने की ज़रूरत होती है। अगर बच्चे का हम इस अवस्था के अंदर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा क्या होगा, कम भार वाला या कुपोषण जिसे हम कहते हैं, कुपोषण के बारे में हमने देखा था कि कुपोषण से ग्रसित जो बच्चा होता है वो इसी एज में होता है, 0 से 6 माह के अंदर ही बच्चे के अंदर प्रोटीन, ऊर्जा, कैलोरी कुपोषण रोग है वो होने की संभावना 6 से 12 माह के अंदर होता है, क्योंकि 6 माह तक तो माँ का दूध ही पीता रहता है ना बच्चा, तो 6 माह से 12 माह के बीच बच्चे के अंदर कुपोषण की जो समस्या है वो मुख्य रूप से देखने को हमें मिलती है। अब इसके अंदर हमें ये जो बताया है मैंने कि उसको कितनी कैलोरी चाहिए, जो बच्चा, इसको मैंने अलग अलग एज के आधार पर इसको बांटा है, जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि बच्चे को अच्छा पोषण के लिए सबसे पहले हमें कैलोरी की मात्रा है उसके ऊपर ध्यान देना होता है। तो यहाँ जैसे प्रथम सप्ताह है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय उसको 120 किलो कैलोरी, कैलोरी को हम किस में लिखते हैं, किलो कैलोरी में लिखते हैं, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, 120 किलो कैलोरी और प्रति किलोग्राम भार, प्रथम सप्ताह लिखा है मैंने। तो प्रथम सप्ताह में आप मान के चलो कि बच्चे का वजन कितना है, 3 केजी है, और इसको क्या चाहिए, 120 केजी है प्रति किलोग्राम वजन के अकॉर्डिंग चाहिए, तो 3 किलोग्राम वजन के अनुसार हमें 120 से इसको गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 360 किलो कैलोरी है उसको प्रतिदिन अपने भोजन के अंदर, उसको इस भोजन के माध्यम से
प्राप्त करनी है, यानी वजन उसका 3 किलो ही है। अगर ये वजन अगर उसका 6 किलो हो जाता है तो ये हमें इसे 6 से गुणा कर देंगे। तो जैसे जैसे बच्चे का वजन जितना अधिक बढ़ेगा, ये कैलोरी की मांग है उसके लिए बढ़ती हुई जाएगी। तो यहाँ पे आपको प्रश्न जो पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है कि 120 किलो कैलोरी है वो बच्चे को कितने अवस्था के अंतर्गत है, किस आधार पर मिलनी चाहिए, तो ये हमें ध्यान देना है। दूसरा मैंने इसी में लिखा है कि जब बच्चा 7 से 12 माह का हो जाता है तो उसको क्या चाहिए, 100 कैलोरी है प्रति किलोग्राम वजन के अकॉर्डिंग चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब ये 100 किलो कैलोरी चाहिए। पहले क्या चाहिए, जब बच्चा छोटा है 6 माह तक का होता है तो 6 माह तक तो उसको क्या चाहिए, 120 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम वजन के अकॉर्डिंग चाहिए। अब बच्चा जैसे जैसे बढ़ेगा तो अब उसका जो कैलोरी की मांग है वो 100 किलो कैलोरी है वो प्रति किलोग्राम वजन के अकॉर्डिंग चाहिए। तो अब 120 की जगह हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, और 100 किलो कैलोरी है वो प्रति किलोग्राम वजन। अब बच्चे का वजन है वो 6 माह के बाद कितना हो जाता है, 6 माह के बाद जन्म का 2 गुना हो जाता है। तो ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे करीब 6 किलो वजन है वो बच्चे का हो जाएगा। तो अब उसकी कैलोरी की मांग कितनी हो जाएगी, अब इसको हमें वापस गुणा करना है। तो गुणा क्या आ जाएगा, 720 किलो कैलोरी है वो उसको प्रतिदिन अपने भोजन के माध्यम से जरूरत होती है। तो अब ये 720 किलो कैलोरी है उसको खाली दूध से तो नहीं मिलेगी, तो अब उसके भोजन में हमें क्या करना होगा, ये प्रोटीन चाहिएगा, उसको विटामिन चाहिएंगे, खनिज लवण चाहिएंगे, लोहा चाहिएगा, आयोडीन चाहिएगा, ये सारी मात्रा उसको अब उसके भोजन में हमें देनी शुरू करनी पड़ेगी। तो ये जो मैंने लिख रखा है इनका एज, कि अगर बच्चा 0 से 2 माह का है, 3 से 6 माह का है या 7 से 12 माह का है, तो उसके भोजन के अंदर हमें ऊपरी आहार के रूप में ये पोषक तत्व है उसके भोजन में देने पड़ेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये तो यहाँ पे हो गई हमारी कैलोरी की बात। अब हमें करना है प्रोटीन की बात। एक वयस्क व्यक्ति के अंतर्गत तो ये देखा जाता है कि प्रति किलोग्राम वजन के अकॉर्डिंग, प्रति किलोग्राम वजन के अकॉर्डिंग 1 ग्राम प्रोटीन उस व्यक्ति को लेना जरूरी होता है। मान लेते हैं कि व्यक्ति 50 kg का है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन है डेली उसके भोजन में लेनी है। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, एक शैशवावस्था के बच्चे की बात हो रही है। तो शैशवावस्था के अंदर 1 ग्राम प्रोटीन उसको प्रति किलोग्राम वजन के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए, क्योंकि इस अवस्था के अंदर बच्चे का विकास है वो तीव्र गति से हो रहा है। तो इस तीव्र गति से विकास की वृद्धि को देखते हुए हमें क्या करना है, उसके आहार में जो प्रोटीन की मात्रा है वो प्रति ग्राम 2.2 रखी गई है। जैसे बच्चे का वजन कितना है, 0 से 2 माह का बच्चा है, वो जन्म के समय तो जैसे 3 किलो का हो रहा है, और अगर वो 2 महीने में है तो मान लेते हैं वो 4 किलो का हो गया होगा। तो अब इस 4 किलो वजन को हमें 2.2 से गुणा करना है। तो क्या जाता है, 4 दूनी 8 यानी 8.4 ग्राम प्रोटीन है उसको प्रतिदिन अपने भोजन के अंदर लेना है। तो ये प्रोटीन की मांग क्या होती है, माँ के दूध के अंदर उसको अपने ही आप प्राप्त हो जाती है। और इसी तरीके से जैसे 7 से 12 माह का जब बच्चा होता है तो उसको 1.8 यानी 7 से 12 माह के बच्चे में वजन कितना हो जाएगा, करीब 9 किलो हो जाएगा। तो इसको 1.8 से गुणा करेंगे और हमारा यहाँ पे जो एवरेज है वो हमारा देखा जाएगा और वो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। तो इस तरीके से ये प्रोटीन और कैलोरी है दोनों की ये मात्रा है, वो आप यहाँ पे नोट कर लेना कि कितने ग्राम कैलोरी चाहिए उसको प्रतिदिन अपने भोजन में और कितने ग्राम प्रोटीन की उसे आवश्यकता मानी जाती है। अब आगे हमें ये देखना है कि ये जो प्रोटीन और कैलोरी की मात्रा है वो तो हमारी यहाँ से निर्धारित हो गई है। अब विटामिन ए की मात्रा है वो हमें 1500 मिलीग्राम लेनी है,
तीनों ही अवस्था के अंतर्गत 1500 मिलीग्राम लेनी है। विटामिन डी की मात्रा है 400 मिलीग्राम लेनी है। ई की मात्रा है ये 5-5 मिलीग्राम है। थायमिन है ये माइक्रोग्राम में आ जाता है, 0.3 माइक्रोग्राम, 0.4 माइक्रोग्राम और 0.15 माइक्रोग्राम। राइबोफ्लेविन ये इनके रासायनिक नाम है। ये भी पूछा जाता है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, B2 का रासायनिक नाम क्या है, B3 का, B4, 6 और 12। ये हमारी बी फैमिली है और बी फैमिली को आपको सबके आपको विटामिन A, B, C, D इनके सबके आपको रासायनिक नाम है वो ध्यान रखने होंगे। एक वीडियो में मैं आपको ये सारे रासायनिक नाम है इनके वो आपको बता दूंगी। इनसे भी क्वेश्चन है वो बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये हमारी जो आपकी ये दिखा रखी है इंडेक्स, इसके अंदर सबकी अलग अलग अवस्थाओं के अंदर आयोडीन की मात्रा है। ये हमारी 25, 40 और ये माइक्रोग्राम में दी गई है। लोहा है वो 6, 10 और 15। जैसे जैसे एज इसकी बच्चे की बढ़ती जाएगी इनकी आवश्यकता है बच्चे के अंदर ज़्यादा देखी जाती है। फोलिक अम्ल की मात्रा भी है वो बढ़ती जा रही है और इनकी मात्रा भी है थोड़ी थोड़ी बच्चे के अंदर। ये जो विटामिन ए डी है ये हमारा इक्वल है दोनों अवस्थाओं के अंतर्गत। तो ये बच्चे के पोषण संबंधी आवश्यकता है जिसको हमें क्या करना है, पूरक आहार के माध्यम से बच्चे को भोजन के अंदर उपलब्ध कराना होता है। ये पूरक आहार की परिभाषा है वो आपको पता होनी चाहिए। माँ के दूध के अतिरिक्त जो आहार बच्चे को दिया जाता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, पूरक आहार के नाम से जानते हैं। पूरक आहार के तीन रूप होते हैं, एक तो होता है तरल, एक होता है अर्ध तरल और एक होता है हमारा ठोस रूप। तरल की एक सारणी होती है जिसके अंदर आप पूरा लिक्विड के अंतर्गत जो बच्चे को दिया जाता है वो पूरा लिक्विड आ जाता है। जैसे आपका लिक्विड आ जाता है जैसे फलों का रस है, दही है, लस्सी है, जूस है, ये बच्चे को हम तरल आहार के रूप में देते हैं। और अर्ध तरल में जैसे सूजी की खीर बना के दे देते हैं, पतली खिचड़ी, पतली दरिया, चावल का पानी है, ये इस तरीके दाल का पानी है, तो ये इस तरीके से हम